चूते नहीं गंदे चाहिए भैया, चूते एकदम साफ चाहिए भैया। दैट्स द रीजन छमिया इज लव। बाकी कोई खोपड़ी पे ही नंगा नाच करे तो उसकी माँ बहन एक कर देने का कोई टेंशन। स्पोर्ट्स बाइक को तो पूरी लेट जाएगी, गिरेगी नहीं। भैया वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग अपडेट सीरीज, आई एम कंस्ट्रक्शन दिस ब्लॉग, आपका सपोर्ट हमारा बिस्पोर्ट। मौसम एकदम जहर है और पता नहीं एक चीज़ तुम लोगों ने नोटिस की कि नहीं की, अभी कल हम अपना चैनल थोड़ा सा कस्टमाइज कर रहे थे तो हमने ये चीज़ नोटिस की, जब से ओला आई है तब से हमारी धन्नो नहीं चली है, मतलब हमारी जो छमियाँ हैं बुलेट वो चली नहीं है काफ़ी ज़्यादा, तो आज मौसम एकदम ज़बरदस्त है तो मेरा मन कर रहा है कि आज उसको चलाएं। हालांकि वो रोज़ चलती है लेकिन थोड़ा वो चलती है और ऐसा ऑन कैमरा नहीं चलती, आज मेरा उस पर मोटो ब्लॉग करने का मन है, क्या बोलते हो कर दिया जाए। फिलहाल अभी हम एकदम रेडी हैं, नाश्ता वास्ता मेरा हो गया, एकदम प्रॉपर रेडी हैं, बस इधर बैग में सारा सामान कवाड़ जो भी चाहिए होता है मोटो व्लॉगिंग के लिए वो भर रहे हैं, अभी इसको लगाना है और हेलमेट अभी नहीं निकाला भाई, हेलमेट पहले निकालना पड़ेगा। फटाक से मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप में, कहाँ जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं कुछ आता पता नहीं, बस जा रहे हैं इसे घूम घाम के चले आएंगे, ताकि मौसम जहर है तो कुछ ना कुछ तो मतलब अच्छा ऐसा निकलेगा ही। ये इस पर रस्ट आ रहा है इसलिए स्प्रे वाला पेंट अभी हम लेने जा रहे हैं, इस पर लगा देंगे तो थोड़ा सा रस्ट से राहत मिल जाएगी। कास्ट आयरन में यही दिक्कत है सबसे ज़्यादा, बारिश जब भी आती तो उस पर रस्ट आता है, अगर प्रॉपर मेंटेन नहीं किया तो नरक। तो ये ग्लॉसी ब्लैक पेंट ले आए हैं, अभी इस पर लगा देंगे और एक जिप टाई भी, क्योंकि यहाँ की जो जिप टाई थी वो टूट गई थी। और ये पड़ा हुआ है 170 रुपए का, बहुत काम की चीज़ है भाई, सा छोटे मोटे स्क्रैच ऐसे नॉर्मल चले जाते हैं। ये काम होगा थोड़ी देर में क्योंकि अभी इंजन है गर्म, थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद इसको साफ ऑफ करके प्रॉपर इसको लगा देंगे। अरे बहन की आंख, जल्दी निकलने का प्लान उसी में डिले हुआ, यार बारिश हो रही है अभी क्या ही निकले। बारिश में सबसे बड़ा जो अपने लिए नरक रहता है वो ये कि साला कैमरा जो है गोप्रो उसको वाटरप्रूफ करना पड़ता है, उसमें बड़ा झंझट रहता है, पन्नी बनाओ ये लगाओ वो लगाओ, भगवान की कृपा इसी रही, बारिश तो बंद होगी लेकिन धूप निकल आई। कहाँ जा रहे हैं किधर जा रहे हैं ये नहीं पता, बमन ऐसा है कि हम अपना कॉलेज का एक काम है वो भी निपटाएं और अपनी छमिया जो काफी टाइम से गुमशुदा थी चैनल से उसको भी थोड़ा सा घुमा टहला के लाएं। हमने सोचा कि आज थोड़ा सा रूट चेंज किया जाए। सुल्तानपुर रोड जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक हैदरगढ़ रोड यानी कि स्टेट हाईवे 30 और एक ही अंदर से बड़ा खूबसूरत सा रास्ता है भाई, कंप्लीट ग्रीनरी और चारों तरफ से कवर्ड पेड़ों से ऐसा रास्ता है ये। तुमने कहा स्टेट हाईवे 13 को मारो गोली, आज थोड़ा सा सकरी सकरी गलियां सकरे सकरे रास्ते एक्सप्लोर करते हैं, रास्ते बदल जाते हैं ना तो इंटरेस्टिंग रहती है जर्नी पूरी। अबे सब कह रहे थे कि छमिया कहाँ है, छमिया को कभी घुमाने ले जाते जब से ओला आई है, तुम बताओ हमारा तुम्हारे लिए प्यार कम हुआ है क्या, तुमको रोज घुमाने ले जाते थे। अब वो बात अलग है कि ओला कैमरे पे ज्यादा आती थी, तुम कैमरे पे नहीं आती थी, बाकी भाई घुमाने इसको भी लेके जाते थे, ये हमारा प्यार है। हाँ एक चीज़ तो है कि काफ़ी टाइम बाद हम इस छमिया पे कर रहे हैं मोटो व्लॉग, वरना मोस्टली तो इधर ओला पे ही तफरी चल रही थी पूरी। ये साले ऐसे ऐसे अल्लड़ चूतिए ड्राइवर है साले, अपनी लेन में नहीं चलेंगे, डंडा भर की रास्ता है उसमें भी साले ओवरटेक कर रहे हैं। 350 सेगमेंट तक की अगर बात करें रॉयल एनफील्ड की क्लासिक या फिर स्टैंडर्ड लेते हैं हंटर भी लेते हैं तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन होता है वो होता है एग्जॉस्ट चेंज करने वाला। भाई ये मेरी इतनी पुरानी बुलेट है ये और इस पर वही स्टॉक एग्जॉस्ट लगा हुआ है, लेकिन इतना लाउड है, इतना प्यारा सा साउंड देती, मतलब ऐसा नहीं कान खाती है, बेस भयंकर है, ट्रेवल कम है, एकदम ऐसा गरजती हुई आवाज आती है। इसको जब भी हम चलाते हैं तो मेरा हॉर्न देना नहीं होता है, और मुश्किल हम कभी हॉर्न बजाते हैं, यही आदत हमारी पड़ी हुई है, तो हम अदर बाइक्स भी जब चलाते हैं तो उस पर हम भूल जाते हैं हॉर्न देना क्योंकि इसकी आवाज ऐसी है ना कि साउंड सुन के आगे थोड़ा सा पास मिल जाता है, अपने को हॉर्न की जरूरत कभी नहीं पड़ी। और अभी तो रॉयल एनफील्ड की आवाज काफी ज्यादा, मतलब इंजन रिफाइन हो गया है, आवाज कम हो गई है, लेकिन स्टिल हमको आवाज यही पसंद है जो अभी हमारी बुलेट में निकलती है, ओल्ड स्टैंडर्ड 30-35-40 साल पुरानी, अभी एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आज जाते जाते एक आध माँ की चू गरियाए जाएंगे साले, फड़ी के चलेंगे तो हम बीच ही में जाओ, अपनी लेन में चल साले। इस रास्ते की ये खूबसूरती है, ये खूबसूरत है रास्ता, आगे और भी ज्यादा, अभी जो आगे टाउन आने वाला है ये है बाराबंकी का सतरिक, आगे ऐसे सांप वाले टर्न है कि मजा ही आ जाएगा, कि आप लोगों को देखने में पता नहीं कितना मजा आता है लेकिन हमको चलाने में भयंकर मजा आता है। अभी ऑलमोस्ट बाहर आ गए हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके से और ये जो बाग सामने दिख रही है ये बाग, इस बाग के जस्ट पीछे अपने खेत हैं। और एक कमाल की बात बताएं, हमारी उम्र लगभग 25 साल हो गई, आज तक हम ये वाले खेत अपने देखने नहीं गए किसी दिन पापा से कहेंगे चलिए दिखा के लाइए, कम से कम पता तो हो कहाँ पे क्या है। ये बीच में पड़ती है एक मस्त सी नदी, इधर आने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि पहाड़ों में आ गए भाई, एकदम ऊंचाई पे जाते हैं और कर वैसे मस्त मस्त से आते हैं, ऐसा लगता है साला पहाड़ों पे आ गए। देख 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 टन देख टन देख अरे सर। उसके बाद नीचे साइड को जाते हैं तो और मस्सा लगता है, ऐसा लगता है कि कहाँ ही जा रहे भाई।
क्या कसम से खोंसते ले गए भैया। हम सच्ची बताएं यार, हमको इस मोटरसाइकिल से पहाड़ों पे जाने का, लॉन्ग राइड मारने का बहुत मन करता है, लेकिन सारा ऐसा हो जाता है कि इस पे अभी जब हमने इसको दिवाली में मॉडिफाई कराया था लगभग 1-1.5 साल पहले, लेकिन रिम इसके सही थे, व्हील्स चेंज नहीं कराए हमने, कहा यार अभी ये जब प्रॉपर खराब हो जाएंगे उसके बाद ही कराएंगे, तो उस वजह से इस पे डिस्क नहीं लग पाई और ट्यूबलेस टायर्स नहीं लग पाए। तो खाली इस चीज़ पे हम मात खा जाते हैं इस मोटरसाइकिल को दूर लॉन्ग राइड पे ले जाने के लिए, इसलिए मोस्टली देखा होगा अगर हम जाते हैं तो TVS वाली उठा लेते हैं, क्योंकि इस पे ट्यूबलेस टायर है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है, और इस पे ना तो डिस्क है ना तो ट्यूबलेस टायर है, इसलिए हम इस पे थोड़ा सा रिस्क कम लेते हैं। कोई नहीं, अभी जब तक ये रिम चल रहे हैं, वरना इसके बाद रिप्लेस करा के इस पे एलॉय डलवा देंगे, और एलॉय के साथ में ट्यूबलेस भी हो जाएगी और साथ में डिस्क भी प्रॉपर इंस्टॉल करवा देंगे, तो थोड़ा सा माउंटेंस पे ले जाने में इसको कॉन्फिडेंस आएगा। अभी इस पे नॉर्मल वायर पे ब्रेक है, वो लगाने में ना भाई कॉन्फिडेंस नहीं आता, ऐसा लगता कोई साला आगे अगर आया और हल्की सी भी कंट्रोल में नहीं रही तो पेल देंगे तो खत्म ही हो जाएगा अगला। काफी सारे लोग हमसे बोलते हैं कि भाई बुलेट से जाओ, बुलेट से क्यों नहीं जाते लॉन्ग राइड, तो रीजन यही है इस पे अभी ट्यूबलेस टायर नहीं है और डिस्क नहीं है, खाली यही रीजन है जिस वजह से इससे हम लॉन्ग राइड नहीं जाते। मौसम तो एकदम लल्लन टापी हो गया है, हमको लगता है सही डिसीजन रहा अभी इसको लेके निकलने वाला। समोसे महके, गाँव साइड में जो टपरी पे चाय और समोसे बनाते ना, क्या टेस्टी बनाते यार, इनका टेस्ट तो कोई मैच ही नहीं कर सकता। अभी वाइजर पे थोड़ा थोड़ा सा बूंदे पड़ना स्टार्ट हो गई हैं, तो आई गेस कि ढलाना ही मजा आ गया इसे जाके, तो आई गेस कि भगवान थोड़ा सा तो बूंदाबांदी करेंगे ही, लेकिन प्लीज मत करें सर, जैसा मौसम है ऐसा रखें, इसे में मजा आ रहा है, अपने बच्चे का थोड़ा ख्याल रखें सर। भगवान वैसे मेरी बहुत सुनते हैं, हम मन में सोचते हैं कि भगवान यार ये हो जाना चाहिए, तो भगवान कहते जा बेटा कर दिया तेरे लिए। भगवान से मेरी बहुत बनती है, अभी कुछ गुफ्तगु हो रही है मेरी भगवान की, हो सकता है इन फ्यूचर अगर भगवान ने चाहा तो वो भी हो जाएगा। तो रास्ते भाई गांव साइड के अच्छे होते हैं, नेचर होता है, सब कुछ मस्त होता है गांव साइड, तो इधर हमको मोटर ब्लॉक करने में बहुत मज़ा आता है। तो जब इधर साइड पे निकलो कभी, ये इन लोगों के लिए इतनी नई चीज़ है ना मोटर ब्लॉगिंग, ये सारा इतना सारा सेटअप, इतना सारा लाइव वार्ड, इनको लगता है यार ये कौन सी दुनिया का प्राणी जा रहा है। हेलमेट के अंदर हालांकि हमको देख नहीं पाते और ये मेरा काम है तो हमको ऐसा कोई शर्म लिहाज भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि यार इन लोगों को काश हम समझा पाते कि भाई ये है क्या, कि ये लोग भी जान पाते, हो सकता है किसी का मन करता करने का वो भी ट्राई करता और कुछ अच्छा कर जाता। क्या भैया सड़क बनाने के बाद याद आया पाइप डालना है, ये आ गई है हमारी गोमती नदी। आई डोंट थिंक कि अभी पानी बहुत ज्यादा है, कि लखनऊ में काफी बड़ी है लेकिन आगे चल के छोटी हो जाती है। भगवान ने धूप निकल के कह दिया कि बेटा आप निकल ले इधर से, बहुत देर देख लिया नदी। 2 ही मिनट रुके यार, 2 मिनट बाद हल्की सी धूप निकली जो भयंकर गर्मी लगने लगी, हमने कहा भैया चलो नज़ारे गाड़ी पे बैठे बैठे लेंगे, चलाते चलाते लेंगे। क्या भैया रोड बहुत ख़राब है क्या, इधर दूर से पीली पीली सी मिट्टी दिख रही है, मिट्टी इतनी ख़राब होती है इस पे अगर हल्की सी भी ब्रेक पे उंगली लगी तो वो सांस स्लिप मारती है। अभी आगे जो टर्न आने वाला है कर्व इतना प्यारा है कि अगर दीक्षांत सर यहां होते या दिव्यांग सर यहां होते गाड़ी लिटा देते, अभी मेरी गाड़ी तो लिटाने लायक है नहीं, गिरेंगे भद्द से, इसलिए इधर गाड़ी हम तो लिटाने वाले नहीं, वो प्रॉपर बना भी उसी एंगल पे है, स्पोर्ट्स बाइक हो तो पूरी लेट जाएगी, गिरेगी नहीं। जूते नहीं भीगने चाहिए, जूता गंदा होता है तो ऐसा दिल में गोली लगने जितना दर्द होता है, तो इसलिए जूता गंदा नहीं होना चाहिए भाई, कपड़े कितने भी गंदे हो, ब्लाइंड से टर्न है तो उधर मजा आता है ना, वो है इस रास्ते पे, इसीलिए हमने वो बाहर वाला चौड़ा वाला रास्ता छोड़ दिया, हमने कहा नहर वाला पकड़ते हैं, मस्त चलते हैं। आज भैया निहार लो हमारी छमिया को, जितना भी निहार रहा हूं। ओला पे इधर कुछ ज्यादा ही मोटर ब्लॉक्स हो गया, मैंने कहा दिखाना पड़ेगा भाई कि हु इज द रियल लव। ओला का क्या है यार, 120 किलोमीटर के बाद धोखा दे देगी, बेवफा निकल जाएगी, इसमें क्या, इसको बियर पिलाते रहो चलाते रहो, 1000 2000 3000 कितना अभी चलाओ, दैट्स द रीजन, छमिया इज लव। पास देंगे भैया, दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, थैंक यू। जो हमको गदगद गदगद आवाज आ रही है, पता नहीं अभी माइक में अंदर इतना आ रही है कि नहीं, क्योंकि मेरा हेलमेट थोड़ा सा साइलेंट है, माइक ऐसा सेट है कि उधर प्रॉपर मतलब बहुत ज्यादा नॉइस नहीं आती, लेकिन हमको कानों से जो गदगद गदगद सुनाई पड़ रहा है ना, वो बहुत प्यारा लग रहा है।
इधर सामने से कौन आएगा भी देखो, कौन आएगा कौन नहीं आएगा बिल्कुल पता नहीं रहता। एक जो सस्पेंस रहता है ना वो इस रोड पे बरकरार रहता है। सीधी रास्ते पे तो कोई मतलब, सीधी सड़क है सीधा रास्ता है तो उधर तो कोई भी खींच दे कोई मतलब नहीं। मेन स्किल टेस्ट होती है ऐसे रास्तों पे जिधर आपको पता ही ना हो आगे से कौन आने वाला है और कब आ जाएगा। तो अपने सेंस पे डिपेंड करता है ना कि हम कितना अवेयर है। मेरा फेवरेट रास्ता है भाई, मतलब बाइकर्स के लिए भी फेवरेट है। अगर कभी राइड पे चलना चाहो सर दिव्यांश सर तो आप चल सकते हैं इधर प्रॉपर। आहा, फुल गर्मी से राहत, बड़ा मजा आता है इधर चलाने को। लड़का हाय बोल रहा था भाई, हाय भाई। यार छोटा हो बड़ा इज्जत देने का, बाकी कोई खोपड़ी पे ही नंगा नाच करे तो उसकी माँ बहने कर देने का कोई टेंशन नहीं, लेकिन छोटा हो या बड़ा अगर रिस्पेक्ट दे रहा है तो भयंकर उसको डबल रिस्पेक्ट देने का। तो देखो चूतिया महाराज, बाप रे, जूते नहीं गंदे होने चाहिए भैया, जूते साफ मांगता है अपने को। आइए सर पूरा आपको पास दूंगा मैं। जूते नहीं गंदे चाहिए भैया, जूते एकदम साफ चाहिए भैया। ले गार्ड है इस पे, ऐसा तीन स्टेप है तो जब भी ऐसा बारिश वारिश वाला पानी भरा होता है, कहीं भी पानी भरा होता है ऐसा लगता है कि पानी उड़ेगा तो हम चुपचाप इस पे रख लेते हैं। नहीं हमको अच्छे लग रहे थे ले गार्ड, इसलिए हमने लगवाया। सारे ब्लैक पे मिल रहे थे, क्रोम पे खाली यही मिल रहा था तो हमने कहा यही ले लेते हैं। बाकी डिजाइन भी ठीक ठाक सी लग रही थी, हमने कहा ले लेते हैं, उठा लेते हैं यही। ये देखो हैदरगढ़ वाली, अगर आते स्टेट हाईवे 13 तब भी इसी रास्ते पे निकलना होता, इधर से आए तब भी इधर ही निकलना हुआ। फिलहाल ये है सुल्तानपुर हाईवे, सीधा स्टेट जाता है सुल्तानपुर हैदरगढ़ होते हुए, पीछे को जाता है लखनऊ। अगर हम जस्ट अपोजिट उस साइड से पीछे को जाएंगे तो पहुंचेंगे लखनऊ। कॉलेज आने वाला है आगे, वहां का जो भी काम होगा निपटाएंगे, उसके बाद कल्टी मार देंगे घर के लिए। कभी इसको भगाने का मेरा मन बहुत करता है कि हम इसको थोड़ा सा भगाए, लेकिन ब्रेक की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन जब कभी भी हमको लगता है कि यार अभी तो रास्ता खाली है ना, आगे कहां ही ब्रेक लगानी पड़ेगी, तब हम इसको थोड़ा सा खींचते हैं 70-80 से ज्यादा नहीं, क्योंकि हमको ख्याल रखना पड़ता है अपनी छवियां के हृदय का। नई वाली तो है नहीं, पुरानी वाली है जिसका मजा धीमे चलने में है, तो इसलिए हम अपनी छवियां का थोड़ा। भैया यार एक तरफ चलो यार चूतिया, पीछे कार आ रही। स्पोर्ट्स बाइक हम काफी मिस करते हैं ऐसा जब ओपन हाईवे मिलता है कि खींच दें 110-120। हाँ वो 10-15 सेकंड के लिए खींचना होता है, लेकिन वो 10-15 सेकंड ना जिंदगी के ऐसा एकदम सातवें आसमान वाले पल होते हैं। वाह यार क्या आवाज आ रही है। लो स्पीड पे टॉप गियर लगा दो ना, मतलब लगभग 35-40 की स्पीड पे थ्रोटल देके वो पुश करो इंजन को कि बढ़ भाई बढ़। तो जो अंदर से वो गदगद 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 आवाज आती है ना, वो इधर इधर टच करके जाती है। टाउन है ये, कस्बा टाइप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं गंगागंज। व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म। अगर अभी तक आप व्लॉग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, आपने छमिया को निहार लिया होगा। तो अभी ये व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म। अगर अभी तक आप व्लॉग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल डेट सीरीज, देख रहे हैं फॉर मोर न्यू व्लॉग। तब तक के लिए इजाजत दें, जय राम जी की, हर हर महादेव। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में मस्ती एनर्जी के साथ में।